हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। इस वीडियो में 31 अगस्त 2018 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ये अगस्त मंथ का आखिरी करंट अफेयर्स वीडियो है। इसका पीडीएफ और नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं और उससे पहले आप लाइक जरूर कर दो इस वीडियो को। क्वेश्चन होगा, चेरापूंजी को पछाड़ते हुए इस साल मानसून में सबसे ज़्यादा बारिश किस जगह पर हुई है। देखिए, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बारिश होने वाले जगहों में से चेरापूंजी को एक माना जाता है। चेरापूंजी मेघालय में है और भारत में सबसे ज़्यादा बारिश वहीं होती है, लेकिन इस साल इसमें बदलाव आ गया है। इस मानसून में उसकी जगह किसने ले ली है? आंसर है महाबलेश्वर। ये महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में है। देखिए, जो रिपोर्ट आई है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, IMD की, उसके अनुसार चेरापूंजी में इस मानसून में 4730.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि यहाँ पर सामान्य बारिश जो होती है मानसून में वो 8609.6 मिलीमीटर होती है। मतलब इस बार आधे से भी कम बारिश हुई चेरापूंजी में, जबकि महाबलेश्वर में इस बार 7520.3 मिलीमीटर बारिश हुई। ये सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, महाबलेश्वर जो है वो महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में, मैंने बताया है। यहाँ पंचगंगा नदी है। इम्पॉर्टेंट बात यह है, पांच नदियों का उद्गम है यहाँ पर। कृष्णा, वीना, कोयना, सावित्री और गायत्री नदी यहाँ से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में 1500 मीटर दौड़ के पुरुष वर्ग में किस खिलाड़ी ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया? आंसर है जिनसन जॉनसन। देखिए, जिनसन जॉनसन ने 18वें एशियाई गेम्स के 12वें दिन यानी 30 अगस्त को ये गोल्ड मेडल दिलाया है। जॉनसन ने 1500 मीटर की दूरी 3:44 में पूरी की। इस स्पर्धा के महिला वर्ग में भारत की चित्रा उन्नी कृष्णन ने कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने अपनी मसौदा रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की गई है? आंसर है विधि आयोग यानी लॉ कमीशन। उसने कानून मंत्रालय को एक मसौदा रिपोर्ट सौंपी है और इसके अनुसार जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की गई है। लॉ कमीशन के चेयरमैन है बलवीर सिंह चौहान। देखिए, लॉ कमीशन जो रिपोर्ट देता है, जो सलाह देता है, सिफारिश करता है, वो उसके मानने के लिए बाध्य सरकार नहीं है, लेकिन सरकार ये चाहती है कि एक साथ चुनाव हो। अगला क्वेश्चन है, 18वें एशियाई खेलों में 4x400 मीटर रिले महिला टीम स्पर्धा में किस देश की टीम ने गोल्ड मेडल जीता? आंसर है भारत। इस टीम में हिमा दास, पूवम्मा राजू, सरिता बेन गायकवाड़, विस्माया वेल्लुआ कुरोथ थी। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक का चौथा समिट 30 और 31 अगस्त को नेपाल में आयोजित हुआ है, अभी चल रहा है, तो इस संगठन में कितने सदस्य देश हैं? आंसर है 7। देखिए, इस समूह में सार्क मेंबर कंट्री भी हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। इसके अलावा आसियान के 2 देश हैं, म्यांमार और थाईलैंड। तो इस तरह 7 सदस्य हुए। इसको सार्क का एक विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से सार्क जो है वो इनएक्टिव हो गया। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में 30 अगस्त को चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन शुरू हुआ और इस 2 दिवसीय सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया है। इसका विषय है, इस बार का थीम है शांतिपूर्ण, समृद्ध और सतत बंगाल की खाड़ी क्षेत्र हेतु। ठीक है, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इससे पहले यानी तीसरा समिट जो हुआ था वो गोवा में हुआ था 2 साल पहले। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना यानी इरिगेशन इफिशेंसी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी ADB के साथ $375 मिलियन के लोन समझौते पर सिग्नेचर किए हैं? आंसर है मध्य प्रदेश, क्योंकि वहां पर सिंचाई दक्षता सुधार योजना शुरू हुई है। 400 से ज़्यादा गांवों में ये योजना चलाई जाएगी। यहाँ एक और पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने 30 अगस्त को ही टोटल 3 राज्यों को लोन दिया है। तो एक तो मध्य प्रदेश हो गया, दूसरा लोन मिला है कर्नाटक और तीसरा मिला है पश्चिम बंगाल को, $245 मिलियन का मिला है पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए। तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है, जो फिलीपींस में है। अगला क्वेश्चन है,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB की परियोजना परिव्यय यानी प्रोजेक्ट आउटले के संशोधन को मंजूरी देकर इसकी स्थापना कीमत 800 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है, मतलब इसका कॉस्ट जो है वो कितना कर दिया गया है अब स्थापना का। आंसर है 1435 करोड़ रुपए। देखिए IPPB को 1 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा कल ही, और ये मुख्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज उपलब्ध कराया जाएगा इसके माध्यम से। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि एकमात्र ये सरकारी पेमेंट बैंक है, इसके अलावा जो भी पेमेंट बैंक्स हैं वो सब प्राइवेट हैं। तो IPPB जो है वो 650 ब्रांच खोलने जा रहा है। इसका टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार पे, ठीक है। बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं सुरेश सेठी। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2018 का। और वो फरारी चलाते हैं। अगला क्वेश्चन है IIT दिल्ली और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने 30 अगस्त को किस जगह बायोमेडिकल रिसर्च पार्क स्थापित करने का समझौता किया है। आंसर है हरियाणा के झज्जर में। अगला क्वेश्चन है पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किन दो देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर हुए हैं। आंसर है यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी आयरलैंड। देखिए दोनों देशों के साथ अलग अलग सिग्नेचर हुए हैं, मतलब तीनों का एक साथ सिग्नेचर नहीं हुआ है, तीनों का एक साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ है, दोनों का अलग अलग। इंडिया का पहले यूनाइटेड किंगडम से हुआ, उसके बाद उत्तरी आयरलैंड से हुआ है। अगला क्वेश्चन है पहला सार्क कृषि सहकारी व्यापार फोरम यानी एग्री कोऑपरेटिव बिजनेस फोरम किस देश में शुरू हुआ। आंसर है नेपाल। देखिए नेपाल के काठमांडू में शुरू हुआ है। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय जो है वो नेपाल में ही है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों के बीच शिपिंग और रेल मंत्रालय ने करीब कितने करोड़ रुपए के इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना को लागू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर है 9000 करोड़ रुपए। काफ़ी बड़ी रकम है। देखिए इंदौर तो मध्य प्रदेश में आता है और मनमाड़ जो है वो महाराष्ट्र में, तो इस रोड लिंक बनने की वजह से करीब 150 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी इन दोनों जगहों के बीच में। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने कितने नए जिलों के निर्माण के लिए एक विधेयक पास किया है। आंसर है 3। देखिए कौन कौन से हैं उनमें, पाक के केसांग जिला बनेगा नया, वो पूर्वी कामेंग से अलग होकर जिला बनेगा। दूसरा है लेपा राडा जिला, ये लोअर सियांग जिले से कटकर बनेगा। तीसरा है शी योमी जिला जो पश्चिम सियांग से कटकर बनेगा, ठीक है। ये 3 जिले नए बनेंगे। अगला क्वेश्चन है पर्यटन मंत्रालय ने किन दो राज्यों में 165.95 करोड़ रुपए के स्वदेश दर्शन योजना की विरासत और उत्तरी पूर्वी सर्किट यानी हेरिटेज एंड नॉर्थ ईस्ट सर्किट ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत दो नई परियोजना को मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी है, तो पर्यटन मंत्रालय ने। तो कौन से दो राज्य हैं, तो दो राज्य हैं पंजाब और त्रिपुरा। देखिए 29 अगस्त को ये सिग्नेचर हुए हैं। पंजाब में जो हेरिटेज सर्किट है उसके तहत आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, चमकौर साहिब, फिरोजपुर, अमृतसर, कलानौर, पटियाला का सर्किट बनेगा। इसमें 99.95 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो त्रिपुरा में उत्तर पूर्व सर्किट बनाया जाएगा, इसमें सुरमाचेरा, उनाकोटी, जम्पुई हिल्स, गुनाबाती, भुवनेश्वरी, मातावरी, निर्माहल, बॉक्सनगर, चट्टाखोल, पिलक, अवंगा, चात्रा ये शामिल होंगे। तो त्रिपुरा की योजना की जो लागत है वो 65 करोड़ रुपये है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार और किस राज्य ने विश्व बैंक से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विकास नीति ऋण पर सिग्नेचर किया है, जिससे उस राज्य में 24/7 पावर फॉर ऑल कार्यक्रम के तहत अपने विद्युत वितरण क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार का लक्ष्य होगा। आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने 50 प्रोटीन बायोमार्क्स की पहचान की है जो गैर आक्रामक रूप से सूजन आंत्र रोग यानी IBD का पता लगा सकते हैं। आंसर है चंद्र मोहन। वो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं
और उन्होंने ये पहचान की है। आईबीडी तब होता है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी आंतों से लड़ने लगती है। तो चंद्र मोहन जो है वो अमेरिका में ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। अगला क्वेश्चन है, दुधवा टाइगर रिजर्व ने मानव पशु संघर्षों को नियंत्रित करने के लिए टोल फ्री नंबर 1926 के साथ एक हेल्पलाइन शुरू की है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है उत्तर प्रदेश। वन विभाग ने रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से ऐसा किया है। हेल्पलाइन डायल 100 आपातकालीन सेवाओं के साथ काम करेगी। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने किस जिले में विशेष निवेश क्षेत्र विकसित करने के लिए आधारशिला रखी है? आंसर है कृष्णागिरी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया है? आंसर है दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ आयोजित की गई? आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, तो ये था 31 अगस्त का करंट अफेयर्स। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करो। पिछले वीडियो में 3000 लोगों ने लाइक किए, इस बार संख्या बढ़नी चाहिए। अपने दोस्तों को ये करंट अफेयर्स जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, अदर सोशल मीडिया पर। करंट अफेयर्स का डिटेल नोट्स और PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पहली बार YouTube चैनल सरकार जॉब न्यूज पर आए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और ये बेल आइकन है इसे ज़रूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।